बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल अब जमानत पाने के लिए ड्रामेबाजी पे आ गए हैं, ये बात सच है? बिल्कुल आ गए हैं, बिल्कुल आ गए, बिल्कुल। कैसे आ गए? दिल्ली सरकार किसकी? केजरीवाल की। जेल मंत्री किसका? जेल मंत्री, जल मंत्री बोलना चाह रहे हो? जल मंत्री भी और तिहाड़ जेल का मंत्री भी कौन है मैडम? आम आदमी पार्टी का ही है ना। जल मंत्री भी आतिशी जी है, ठीक है। खाना भी घर से जा रहा है, फिर आए दिन सुन रहे हैं कि भैया वजन गिर रहा है, वजन गिर रहा है, वजन गिर रहा है। 65 लाख के एक वीडियो भी देख रहा था। आम कोमा में जा रहे हैं, कोमा में जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, कोमा में जाने का खतरा है। काम करना ही क्यों, ऐसा ही कोमा में जाने की चीज आ जाए? बोला है कि 5 बार से अधिक उनका जो बीपी है 50 से नीचे चला गया है। मेरे को भी लग रहा है शायद कोमा में जा रहे होंगे। सुनीता केजरीवाल जी जो है ना, 4 जून के बाद से लव लेटर पढ़ के नहीं दिखा रही है केजरीवाल जी का, जो जेल से लिख रहे थे, मेरे दिल्ली वासियों, मेरे दिल्ली के निवासियों। और जेल में बैठे बैठे बताओ 2-2.5 रुपए इन्होंने यूनिट भी बढ़ा दिया। बिजली पानी हर चीज की दिक्कत शुरू हो गई। 600 करोड़ के मुनाफे में जल बोर्ड था, 73,000 करोड़ के घोटाले में चला गया। डीटीसी फायदे में थी, घाटे में चली गई। अरे मैं कहता हूँ दिल्ली में 10 सालों में एक विकास का काम केजरीवाल जी का कोई बता दे मुझे। दिल्ली और पीछे चली गई है 10 साल। बिल्कुल पीछे चली गई है। आप कायदे से देखोगे जो एनवायरमेंट आज का है, ये पहले था सरकारी अस्पताल में, पहले तो ये देखते थे कि चलो गंदगी बहुत है, अब तो दवाइयां ही नहीं मिलती, बाहर से खरीदो। देश की राजधानी के ये हालात देख के कैसा लगता है? देखिए दुख होता है और ऐसा लगता है कि कम से कम अब 2025 में चुनाव है, बदलाव करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं आज दिल्ली को देश की राजधानी कहने में उन्हें शर्म आती है क्योंकि दिल्ली की हालत ऐसी है। देखिए गुजरात के अंदर एक साबरमती रिवर है, आपको पता है कितना बड़ा टूरिज्म का प्लेस बन गई। ये यमुना जी जो है हमारी, जो कितने ही राज्यों की प्यास बुझाती है, आज इनकी हालत जाकर के देखो कि गंदे नाले से भी गंदी। दिल्ली की प्यास नहीं बुझा पा रही, नहीं बुझा पा रही। आज जो आज से 10-12 साल पहले शायद मंदिर या घर के आसपास नलके से हम यूं पानी पी लेते थे, आज 40 रुपए वाले गैलन से कम पानी नहीं जा रहा किसी के घर में। अगर कोई कह देना मैं उसके घर जाकर के देखना चाहूंगा। ये हालत दिल्ली की कर दी। बिजली फ्री, बिजली फ्री, बिजली फ्री। आप अगर अपना बिल खोल करके देखिए, बिजली अगर आपने 5,000 की यूज करी है 8,300 रुपए से कम का बिल नहीं होगा। मैं खुद इसका भुगत भोगी हूं। 3,300 रुपए किस चीज का मेरे से टैक्स लिया जा रहा है, 50% से भी ज्यादा। सर आप इतनी बात कर रहे हैं, वही आतिशी जी और आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल को जेल में ही मारने की प्लानिंग कर रही है बीजेपी। मैडम फिर ऐसे तो हर कैदी यही बोलेगा जो जेल जाएगा। 37वें नंबर पे नाम आया केजरीवाल जी का चार्जशीट के अंदर, ऐसे नहीं आया। नोट मिल गए इनके बंदे के पास, 1 रुपए का भी नोट है, 10 रुपए का भी नोट है और 100 रुपए का भी नोट है, कटिंग वाला नंबर वाला कैसे आ गया? और आप बताओ, और आपके केजरीवाल जी इतने बेकसूर थे, इतने सिम कार्ड तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? लोग तो अब जियो महंगा हो गया तो तोड़ रहे हैं, उस काल में तो जियो भी सस्ता था, तो केजरीवाल जी को क्या बड़ी आईफोन बदलने की, आईफोन का पासवर्ड देने से मना करने की? बताइए कौन सी ऐसी उसके अंदर रात छुपे हुए थे? खुले हो, मैं चोर नहीं हूँ, ये लो भैया मेरा फोन है, ये खोल के देख लो इसमें क्या है। अब मैं इसको छुपाऊंगा तो ये कहेंगे भाई साहब मेरी तूने चुपचाप वीडियो बनाई है इसलिए तू छुपा रहा है। मैं कहूंगा भाई साहब खोल लो। तो केजरीवाल को सामने रखना चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। रखते इनका संजय सिंह जी बाहर आ गए, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष फैसले लेने वाली साफ हो गई, मोदी सरकार ने नहीं खरीदी। सोरेन बाहर आ गया, सुप्रीम कोर्ट साफ हो गई। इनको चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी हो गई। अब इनको जमानत नहीं दे रही तो बिकी हुई है। एक जुबान है मैडम, जिस इंसान की जुबान नहीं है, जो कहता था कि भैया हम राजनीति बदलने आए हैं, उसने सबसे पहले आके अपने परिवार के जीने का रुतबा बदला, बच्चे को एक वो क्या कहते हैं, कहना चाह रहे पूरा का पूरा राजधानी के हालात ही बदल दिए। बिल्कुल बदल दिए। आप मुझे एक बात बता दो, आप ज्यादा मत जाओ, ये केजरीवाल जी का ही बनाया हुआ है। इसके अंदर चाहे मेल हो फीमेल हो जाकर के खड़े होकर दिखा दे, वो छोड़ो यहाँ पे खड़े होकर के पानी पी के दिखा दे, इतनी बदबू पानी नहीं है। जो बंदा मूल चीज नहीं दे पा रहा पानी, आप बाकी चीजों की उम्मीद क्या रखोगे? जो घर घर पानी पहुंचा रही है यमुना जी, आए दिन गंदा पानी आप बाल्टी में रखो काई जम जाती है। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं मैं, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी अच्छी है या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, ये सच्चाई है जो दिल्ली की जनता इस समय भुगत रही है। इन्होंने सारी महिलाओं की टिकटें फ्री कर दी। मैं कहता हूं एक बात बताओ, सारी महिलाओं की कर दी ठीक है, उन महिलाओं की करते थे जो नीचे तबके की, सबकी फ्री कर दी। और फ्री आप तब करते जब आप नई बस डालने योग्य होते, जब डीटीसी फायदे में चल रही होती, जब डीटीसी कर्मचारी हड़तालों पर जाने योग्य ना होते, जब उनको सैलरी टाइम पे मिल रही होती। वो चीज आपने करी नहीं, बस वोट बटोरने के लिए फ्री में कर दी। तो ऐसे थोड़ी ना मैडम सरकार चलेगी। आप बताओ दिल्ली जो कर्जे में डूबती जा रही है केंद्र सरकार के अंदर, तो ये कौन भोगेगा? ये आने वाले टाइम में अभी 2 रुपए यूनिट बढ़ी है, अभी थोड़े टाइम में जल बोर्ड का भी रेट बढ़ जाएगा, उसके बाद कोई टैक्स का दायरा भी बढ़ा दिया जाएगा। ये कहेंगे भैया जो फिर ठीकड़ा फोड़ देंगे केंद्र सरकार पे, भैया केंद्र पैसा नहीं दे रही इसलिए हमें महंगाई करनी पड़ रही है। अब केंद्र ने तो 3,000 करोड़ रुपए अभी तुम्हें दिया, बकायदा पेपर उन्होंने डाला,
सोशल मीडिया के ऊपर की दिया था यमुना की सफाई के लिए वोट, डकार गए, कहाँ हो गई यमुना की सफाई बताओ। उसके बाद कह रहे कि भैया हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा तो खुद बाढ़ के अंदर डूब रहा है, पहाड़ों के ऊपर इतनी बारिश हो रही है, उसने पानी रोक के अपना राज्य डुबोना है, किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो केजरीवाल जी। इतना सब कुछ होने के बाद इतने दिनों से जेल में है केजरीवाल, फिर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए आम आदमी पार्टी? देखिए हमारी पता आंखें कब खुली, जिसको सोचे थे झाड़ू वाला वो निकला दारू वाला। अब तो जनता भी कह रही है ये स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, चार्जशीट के अंदर नाम आया 37वें नंबर पे। अब डिनाई कर दो आप उसको, कैसे डिनाई करोगे, वो नोट जो आए हैं खुल के उसको डिनाई कर दो। अब संजय सिंह जी आगे कह रहे हैं भैया कोमा में चले जाएंगे, जब ऐसा घिनौना काम कर रहे थे तब नहीं सोचा था। और केजरीवाल जी के ऊपर अपेक्षाएं लोगों को इतनी ज्यादा थी क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा शख्स थे जिन्होंने कहा था सारे चोर हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो मुलायम सिंह यादव हो, मैं सब चोर हैं, मैं साधु हूं मैं संत हूं, मैं ना घोटाला करूंगा भ्रष्टाचारियों को जेल में डालूंगा, ये लिस्ट है सबसे पहले आकर के कानों कान, किसी को पता नहीं चला दुनिया कोरोना में जूझ रही थी, ये अपना शीश महल बना करके बैठ गए, दुनिया कोरोना में जूझ रही थी वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे दिया, दुनिया कोरोना में जूझ रही थी ये स्टेज पे खड़े होकर के कह रहे थे कि आने वाले टाइम में वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि वो सोच भी नहीं सकते कितना पैसा होगा। वो कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर मेरे को चीफ मिनिस्टर बना दो, अंबानी का जो घर है वो भी वक्फ बोर्ड का है, मैं उसको दे दूंगा, वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो ऐसे अगर चीफ मिनिस्टर ऐसी बातें करेंगे तो कौन इनको सहराएगा, लात मार के भगाएगी जनता, आप देखना 2025 के अंदर।